सबसे पहले तो ऑल अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से मैं अपना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट साहब कल्याण चौबे जी और उसका टीम को मैं अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं। और जैसे हम सबको पता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन तो बहुत साल पहले 1935-37 में ही हुआ था, मगर अभी तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट या उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफिशियल टूर में आज तक अरुणाचल आया नहीं। करीबन 85 ईयर्स हो गया। तो अभी हमारा जो डायनेमिक नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो वो एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके अरुणाचल प्रदेश में आया और अन्य राज्य भी वो टूर करेंगे बाद में। कि इनका लीडरशिप में अभी हम लोग भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है कि फुटबॉल का जो एक्टिविटीज़ है और फुटबॉल का जो क्वालिटी है वो अरुणाचल प्रदेश और हमारा नॉर्थ ईस्ट और पूरा देश में एक बदलाव लेके आएंगे। तो ये इनका अपना एक पर्सनल एक काफ़ी मोटिवेटेड है, पहले फॉर्मर फुटबॉलर भी वो रह चुके हैं। तो इनका लीडरशिप में हम लोग काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि फुटबॉल में एक बड़ा एक सी चेंज इस देश में देखने को आएगा। और अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि हमारा यहाँ के जो बच्चे हैं उसमें टैलेंट है, तो आज हमारे प्रेसिडेंट AIFF ने गाइडेंस दिया कि अरुणाचल प्रदेश को किस हिसाब से फुटबॉल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उनका सुझाव के मुताबिक जिसे उन्होंने गाइड किया कि हमारा स्कूल प्रोजेक्ट में जो बच्चे होते हैं 6 to 12 ईयर्स ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट हम लोगों को करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में हम बातचीत करके आई विल टेक इट फॉरवर्ड। और डेफिनेटली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि आने वाला दिनों में भी अरुणाचल प्रदेश में भी फुटबॉल का एक बड़ा चेंजेस हम लोग देख पाएंगे। सर, 6 to 12 ईयर्स का आपने अभी मेंशन किया, वो बहुत कम एज में किस तरह से कौन उन्हें कोच करेगा सर इसमें? तो शुरुआत जैसे मैंने सजेस्ट किया कि जहाँ पे जिस स्कूल में जो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लोग जहाँ पोस्टेड है उसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन हम लोग जो वर्चुअल मोड में उनको हम लोग कोर्स का ट्रेनिंग देंगे एस एंड ट्रेनर किस प्रकार से फुटबॉल में उसको ट्रेनिंग करना चाहिए। जब वो सर्टिफाई होने के बाद तब जाके इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्कूल्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, आपने ये कहा था कि हंड्रेड स्कूल्स में हम लोग करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्कूल्स KVK है, JNVs भी है, हमारा RK मिशन VKV वगैरह भी है और हमारा काफ़ी सारा गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के बच्चे का संख्या और फिजिकल एजुकेशन टीचर जहाँ है उसको हम लोग पहले 100 स्कूल्स में स्टार्ट करेंगे। सर, जहाँ है वहाँ पे हम लोग इसलिए ये इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में हम मीटिंग लेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट गाइड करेंगे कि किस किस स्कूल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिजिकल एजुकेशन टीचर कहाँ कहाँ है। तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक अप द प्रोजेक्ट। निकला था तो वो जो एडवर्टाइज हुआ होने के बाद लेकिन उसका अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उसको लेके ये फिजिकल एजुकेशन बच्चे लोग प्रोटेस्ट रैली भी किया था। तो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि उन लोगों ने उनका फाइल को APSC को फॉरवर्ड कर दिया, तो वो अभी तक स्टक है। तो इसके बारे में सर आपको कुछ मुझे अभी ऐसा अपना उसके बारे में उतना डिटेल पता नहीं है, मगर ठीक है आपने जो बताई दिया तो आई विल टेक ए रिव्यू एंड आई विल गेट बैक। नहीं देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 100 स्कूल हमने उनके विभाग के साथ बात करके शिक्षा मंत्रालय को साथ ले करके यहाँ के जो 100 स्कूल हैं, जिस 100 स्कूल में कम से कम मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड हो, उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम हो, चेंजिंग रूम हो, उस स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो जो और स्कूल में कम से कम 30 बच्चे हो हर क्लास में, सो क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक यानी कि 30 × 6 180 बच्चे उस स्कूल में फुटबॉल खेलने लायक हो, ये जो बेसिक क्राइटेरिया यदि फुलफिल होता है तो उस स्कूल जो 100 स्कूल है अरुणाचल में हम करेंगे। और कहाँ कहाँ करेंगे ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय इसको निर्णय करेगी, लॉजिस्टिक कहाँ है, कहाँ बच्चे की सुविधा है, वो सारे चीज़ को देख करके।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये काम रहेगा, आपका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है उसको किस तरह से फुटबॉल के स्किल डेवलपमेंट करके उसके एजुकेशन को थोड़ा अपग्रेड करके आप AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ई लाइसेंसिंग, AIFF के बहुत सारे लाइसेंसिंग है, ED, CBA एंड द प्रो, सो ई इज़ अ बेसिक लाइसेंसिंग, तो कम से कम ई लाइसेंस कोच अरुणाचल में कम से कम 100 कोच बने, महीना में 25 कोच बने और 4 महीना के टारगेट में 100 अरुणाचल में अरुणाचल के रहने वाले 100 ई लाइसेंस कोच हो जो कि AIFF लाइसेंस प्राप्त है। सर अरुणाचल के कॉन्सेप्ट में एक में आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अरुणाचल बहुत ही कमज़ोर है, दिस इज अ फैक्ट सर। तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्टेडियम वगैरह डेवलप ही नहीं, खाली मैदान ही पड़ा हुआ है, और अभी CM सर ने कहा है कि जितने भी DF है उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हैंड ओवर कर देंगे कहा है, लेकिन इसको लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में, इस पर AIFF किस तरह से काम करेंगे? नहीं, इसीलिए ना ग्रास रूट डेवलपमेंट आया है। देखिए ये जो बच्चे आपके घर में यदि कोई छः साल के बच्चे हो उनको खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं चाहिए, उनको खेलने के लिए आपके घर के सामने जो आंगन है वही काफ़ी है, लेकिन उस आंगन में कांच नहीं गिरा हो, कोई कांटा नहीं है, पत्थर नहीं है, वो चीज़ देखना है कि एक छोटा बच्चा को खेलने के लिए कम से कम एक टर्फ मिले जो एक समान हो और बॉल मिले उनको पासिंग। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो यहाँ इस प्रदेश की सरकार बात करेगी, लेकिन ग्रास रूट के लिए कम से कम केयरिंग की आवश्यकता है, हमारे नॉलेज और विजडम की आवश्यकता है। यदि हम सभी को प्रोत्साहित करके बच्चों को ला सकते फुटबॉल खेलने के लिए तो अरुणाचल निश्चित रूप से भारत के बाकी प्रदेशों के साथ मिल करके फुटबॉल में आगे जाएंगे। सर आपने एक बहुत पर्टिनेंट एक बहुत अच्छा इन ए पॉजिटिव वे एक हमें भी अच्छा लगा सुन के कि 85 ईयर्स के बाद जैसे हमारा मुख्यमंत्री ने कहा कि 85 ईयर्स के बाद कोई आया AIFF से रिप्रेजेंटेटिव एंड देन हमारा स्टेट से भी 2 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। तो आपने जैसे मेंशन किया कुछ स्टेट्स, 4 स्टेट्स का नाम लिया मणिपुर को भी जुड़ के, तो किस तरह स्पेशली ये रूरल अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि कुछ देर पहले ही PPT में दिखाया गया कुछ प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स के अचीवमेंट्स के, लेकिन वो लोग भी अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उन लोगों का जो स्टेटस है, तो आप उन लोगों को किस तरह आप आपके जो ये लीडरशिप में यहाँ के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव है किस तरह आप लोग ग्रास रूट में जाके उनको भी रिवाइव करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पहले भी थे लेकिन इतना वो समय में इतना एजुकेटेड दे वर नॉट वेरी मच एजुकेटेड ऑन दैट। नाउ यू आर रेफरिंग टू द ग्रास रूट लेवल टू द प्रेजेंट टाइम्स, बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग द अदर्स हु हैव ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड बिफोर बट दे सी नो होप और फ्यूचर इन फुटबॉल। देखिए मैं आपके प्रश्न का इसी तरह जवाब देना चाहूँगा कि इनबॉर्न टैलेंट बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है इस विश्व में, इस पृथ्वी में है कि इनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिला है और उस अपॉर्चुनिटी के आपने यूटिलाइज किया है तभी आप टैलेंटेड बनते हैं। ये बात सही है कि पिछले 85 वर्षों में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कभी आया नहीं अरुणाचल में और आज पहली बार आया है, साथ में ये भी खुशी की बात है अरुणाचल के लिए कि यहाँ से इस बार ट्रेजरर और ग्रास रूट डेवलपमेंट के मेंबर भी है, अरुणाचल से 2 रिप्रेजेंटेटिव है, तो अरुणाचल के जो समस्या है अरुणाचल के लोग जानेंगे, क्योंकि इसी कारण से कीपा अजय और जॉन लिनम को लिया गया है। तो जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल के विषय को हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ग्रास रूट डेवलपमेंट में लाएंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन केस टू केस स्टडी करके उसके आधार पर इसको निर्णय लेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपना कोई कसर नहीं छोड़ेगी अरुणाचल को फुटबॉल के मेन स्ट्रीम में लाने में। धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन सर, आखिरी क्वेश्चन, आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कोई एक बड़ा इवेंट फुटबॉल का इवेंट किया जा सके? 100% मैं हालांकि आज एक एकेडमी का भी दौरा, आज एक स्टेडियम का भी दौरा किया था और मैं एक स्कूल में भी गया, और यहाँ जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि फुटसॉल के जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने टर्फ बनाने में सरकार मदद करेगी, तो मैं ऐसा आशा करूँगा कि आगे जब मेरी दूसरी बार मुलाकात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे मैं पूछूँगा कि यदि अरुणाचल तैयार है
किसी बिग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे फुटबॉल हो, फुटसॉल हो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन निश्चित रूप से उस बात पे सहायक बनेगी।